नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज एटू जेड। बसपा नेता व चेयरमैन पति ने की प्रेस वार्ता, अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया निराधार। भाजपा व सपा की सोची समझी साजिश, सत्ता के दबाव में लिखा गया छेड़छाड़ का मुकदमा। मीडिया को दिखाए खुद को निर्दोष होने के प्रमाण। दरअसल हरिवरी संस्था की एक महिला कर्मचारी ने बसपा नेता व चेयरमैन पति नसीम अहमद पर नगर पालिका परिषद में नौकरी दिए जाने का दबाव बनाया था, परंतु इसमें विफल होने व विरोधियों के बहकावे में आकर महिला कर्मी ने चेयरमैन पति के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा लिखा दिया है। चेयरमैन पति पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज होने से शहर में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। अपनी छवि को धूमिल होते देख बसपा नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर खुद को निर्दोष होने के प्रमाण प्रस्तुत किए। दूसरी ओर सपा के पूर्व मंत्री अताउर रहमान बसपा नेता के आरोपों से पल्ला झाड़ते नजर आए और कहा कि बसपा नेता पर यह दूसरी महिला कर्मी है जिसने यह घिनौना आरोप लगाया है। इससे पहले भी एक महिला कर्मी का मामला लंबित है। भाजपा विधायक छत्रपाल का कहना है कि हमारी पार्टी किसी प्रकार का आरोप प्रति या आरोप नहीं करती। यह बसपा नेता पर आरोप पहले से ही लगते आए हैं और यह उनके कर्मों के फल हैं जो सामने आ रहे हैं। समाचार टू जेड के लिए बहेड़ी से एजाज हुसैन की रिपोर्ट। लगातार विवादों में घिरे हुए, चाहे किसी भी मामले को लेकर लगातार विवादों में, और मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, उनको मेरी सलाह है, उनसे मेरी गुजारिश है कि लखनऊ में उन्होंने महिलाओं के साथ जो भी किया वो लखनऊ तक रहने दें। बहेड़ी में शरीफ लोग रहते हैं, इज्जतदार लोग रहते हैं, बहेड़ी की महिलाओं को बख्श दें, बहेड़ी की महिलाओं पर नज़र गंदी न डालें, जिसकी वजह से एक व्यक्ति कलंकित नहीं हो रहा है, एक पद कलंकित हो रहा है। आज तक बहेड़ी में इतिहास गवाह है कि कभी भी किसी नेता पे ऐसे महिलाओं ने आरोप नहीं लगाए हैं ना FIR लिखाए। नंदलाल सरन जी भी चेयरमैन रहे, जमील साहब भी रहे, अंजुम साहब भी रहे, कई लोग चेयरमैन रहे, लेकिन ऐसी बातें कभी किसी के सामने नहीं आई और हद हो गई है। ठीक है, नया चैनल के माध्यम से कि ऐसी जो मेरे साथ जो घटना हुई है और जो बयान पेश करे गए हैं कि मैं कैसे छोड़ा क्या करा, एक मनगढ़ंत कर्म कहानी बना ली। कम से कम भविष्य में किसी दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए, ऐसी लड़की खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए जो आए दिन लोगों को ब्लैकमेल करती रहती है, जिसके खुद दिए हुए सबूत 4 सर्टिफिकेट मेरे पास मौजूद हैं, जिसमें उसने अपनी खुद गलती मान मान के और उसके बावजूद ये कहा है कि हाँ मुझे माफ़ कर दिया जाए, भविष्य में गलती ऐसी नहीं करूँगा। वहाँ जो हरी भरी कुशवा के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं छोटेलाल कुशवा, उनको भी इन्होंने ब्लैकमेल करा था और उनसे भी बाद में माफ़ी मांग ली, जिसका भी एफिडेविट मेरे पास। तीसरा नंबर हरी भरी के जिनके दूसरे जिनके कुलदीप के खिलाफ जो FIR कराई गई है, उनसे भी इन्होंने जो पैसे की डिमांड की या जो इन्होंने सैलरी बढ़ाने की डिमांड की, उनके खिलाफ भी इन्होंने पहले तहरीर दी, उसके बाद इन्होंने फिर एफिडेविट दे के इन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली कि भविष्य में मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। लेकिन आज हमारे जो मीडिया बंधु हैं, इनके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ बहेड़ी, मैं और मेरा परिवार, आज हम लोग बहुत शर्मसार हो गए हैं कि एक जो परिवार जो आज से सदियों से यहाँ रह रहा है बहेड़ी में, उसके पूर्वजों ने भी इस घिनौनी हरकत छोड़ी है, इस बारे में हमने सोचा भी नहीं। वो तो ये कहिए ऊपर वाले की किस्मत के जो विरोधियों को हमारे खास तरीके से पूर्व चेयरमैन यहाँ प्रत्याशी और पूर्व विधायक जो यहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जैसा कि मैं अभी उच्च अधिकारियों से मिला हूँ, मुझे जानकारी में आया है कि सभी लोगों का प्रेशर था कि ये FIR यहाँ के मौजूदा चेयरमैन जो है उनके पति के खिलाफ लिख दी जाए, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि चोर भी अपने कहीं पैर छोड़ देता है, उनकी चोरी के पैर मिल गए, जिसका प्रमाण पत्र ये मेडिकल है कि मैं उस तारीख में मेरी पैर की तकलीफ थी और अम्बेडकर जयंती में मनाने लखनऊ गया हुआ था 14 अप्रैल। मैं 13 को लखनऊ में था, 14 को भी लखनऊ में था, और कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी मैंने इंस्पेक्टर साहब को बता दिया है कि मेरे निकाल लिए जाएं, और वो कुछ मैंने अपने जरिए से भी
आवेदन कर दिया है, तो घटना कैसे हो सकती है? एक आदमी बहेड़ी में भी है और एक आदमी लखनऊ में भी है, ये कैसे पॉसिबल है घटना हो गई?